हेलो। तो ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी, आफ्टर ट्वेल्थ भी, इवन ये ओलंपियाड लेवल पे भी आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते ही कई बच्चे सोचते हैं यार इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ये छोड़ने का क्वेश्चन नहीं है। विद इन 5 to 10 सेकेंड भी आप इसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आपने अपने बचपन में एक फॉर्मूला किया होगा, a² - b² 8th क्लास में ये फॉर्मूला आ जाता है, और फिर हमें पूरी लाइफ कहीं ना कहीं काम आता है ये। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स होते हैं, 12th के बाद ये फॉर्मूला आता है ना। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमने किया हुआ है, a+b (a-b). ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लगना है, ये इसका हिंट है। अभी भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। और क्या हिंट है थोड़ा सा और फास्ट करने का? एक तो ये फॉर्मूला हिंट है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है जो थोड़े क्लोज से लग रहे हैं, 97, 98, 99। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच क्या है ऐड करने की, आप ये कहोगे अगर मैं इसको 97 की जगह थोड़ी देर के लिए 100 मान लूं, इसको भी 100 मान लूं, माइंड में ही करना है ये सब कुछ, ये तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूं, और इसको भी अगर मैं 100 मान लूं तो आप कहोगे सर सम 300 है, लेकिन क्या ये सम सही है? नहीं, ये 97 था, आपने तो 100 माना है, तो सम में से कितने ही कमी करनी पड़ेगी, इस 97 की वजह से सम में से 3 की कमी करनी पड़ेगी। क्यों? आपने इसे 100 मान लिया अपनी आसानी के लिए, था तो ये 97 ना। इस तरह से 98 से भी मैं कितना वापस ले लूं, इसे 100 माना था, मुझे 2 वापस और लेना चाहिए, और इस 99 का मुझे 1 वापस और लेना चाहिए, तो 300 में से 6 मुझे माइनस करना है, तो 294, और एक्चुअल में भी ऐड करके 294 आएगा। तो आप जैसे ही ऐसे एडिशन देखोगे क्लोज में जो नंबर्स हैं, तो आप एक कॉमन वैल्यू मान सकते हो। तो मेरे को लगा कि यार ये 100 के पास है, तो 100 100 100 300, और 3 माइनस किया, 2 माइनस किया, 1 माइनस किया, 6 माइनस किया, 300 - 6 294 माइंड में ही हो गया। ठीक है, तो ये 2 शॉर्टकट मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं। तो आइए, तो ये आपको नजर आ रहा है a² - b² क्या होता है? a² - b² a+b (a-b) ठीक है, इसका a+b लिखने से क्या आएगा, 1998 + 1997 a+b (a-b). अब जब आप a-b करोगे, 1998 में से 1997 माइनस करोगे, तो क्या आएगा बेटा? मैं वो स्टेप दिखाई नहीं रहा, डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है, (a-b) 1 कर दिया। ठीक है, फिर आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, प्लस लिखा मैंने, फिर वही 1996 + 1995 मानते हो, और जब आप (a-b) करोगे तो 1996 - 1995 तो 1 होता है ये। ठीक है जी, प्लस इसका क्या करूं, 1994 a² - b² दोबारा से लगा दूंगा, 1994 + 1993, और a-b करूंगा तो क्या करूंगा, 1 कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो सिंपल, सभी ब्रैकेट हटा दो, नॉर्मली 1998 + 1997 ये तो 1 ही है, तो इस 1 को हटा भी सकते हैं, इंटू 1 तो वही के वही ब्रैकेट ही रहनी थी ना। अब 1996 + 1995 + 1994 ठीक है, या 1994 भी बोल सकते हो आप, +1993, बस इनको ऐड करना है। अब ऐड करने का क्या तरीका है, या तो नॉर्मल एडिशन इतनी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लोज नंबर्स हैं, तो एक कॉमन नंबर मान लो सबको ही थोड़ी देर के लिए। तो आप कहोगे इन सबको मैं 2000 मान लेता हूं, तो 2000 कितनी बार, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम, तो 2000 को 6 बार ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा, 2000 × 6 = 12000। लेकिन क्या ये एडिशन सही है? नहीं, 1998 है ये, तो आपने इसे 2000 माना है, तो इसका 2 माइनस करना पड़ेगा, और 1997 का कितना माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, 3, शाबाश, और 1996 का 4 माइनस करना पड़ेगा, 1995 का आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, 1994 का आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माना तो 2000 है ना, जबकि है ये 1994, और 1993 का आपको 7 माइनस करना पड़ेगा। तो इन सबको माइनस करना है लॉजिकली, 2 3 5 4 9 5 14 एंड 6 20 एंड 7 27, तो लॉजिकली आपने 12000 में से
27 माइनस करना है, 12,000 में से 27 माइनस करना है तो क्या आएगा बोलो? 1,000 में से 27 के, 1,000 में से 27 के 973 होगा, तो 11,973 11,973 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के मिलते जुलते और भी बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, ट्वेल्थ के बाद जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं उनमें मैंने कई बार देखा है, इवन इसको मैंने ओलंपियाड लेवल पे भी देखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ओलंपियाड लेवल पे इसलिए आ गया ना क्योंकि स्कूल में तो हम सीख ही लेते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।